हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है, यानी इस बार भी चुनाव में सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अभी तक कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी है, वहीं बीजेपी 24 सीटें जीत चुकी है और एक पर आगे चल रही है। इसके अलावा 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक बीजेपी ने 148 सीटें जीत ली है, वहीं 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इससे पहले 1985 में 149 सीटों के साथ ये रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के पास था। वहीं साल 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लुधियाना में गुरुवार सुबह एक किराना स्टोर में रखे फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका हो गया। फ्रिज दुकान से बाहर आ गया। बुजुर्ग दुकानदार की हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तारों में शॉर्ट सर्किट होने से धमाका हुआ, जिसके कारण दुकान के साथ साथ दुकानदार के कपड़ों में भी आग लग गई। इसके बाद आग पूरी दुकान के सामान तक फैल गई। स्थानीय निवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। कि जोधेवाल दे एरिया दे विच किसी दुकान दे विच अग लगन नाल कोई हादसा होया, सो असी मौके ते आए हैं, सारी टीम उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं। पता लगे कि अंदर एक बंदे की डेथ हुई है। हाँ जी, ये फैक्ट सामने आए हैं कि बॉडी जिहड़ी हैगी है फायर दी लपेट दे विच आके ते जिहड़े उन्हां दी डेथ हो गई हैगी है। उम्र करीब उन्हां दी 63 साल है। सो इस तो बाद असी वेरीफाई कर रहे हैं, उस तो बाद डिटेल शेयर कर देंगे। दुकान का मालिक पंजाब के नकोदर में कपड़ा व्यापारी भूपिंदर चावला हत्याकांड के दौरान उनकी सुरक्षा करते हुए घायल हुए कांस्टेबल मनदीप सिंह की भी मौत हो गई। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कांस्टेबल मनदीप सिंह की मौत पर शोक जताया। सीएम ने परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और इंश्योरेंस राशि भी दिए जाने की घोषणा की। वहीं जालंधर देहात पुलिस कातिलों को पकड़ने के प्रयास में जुटी। पुलिस को वारदात के दौरान एक सीसीटीवी वीडियो भी हाथ लगी। देर रात मुक्तसर पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से मुक्तसर साहिब लेकर पहुंची, जिसे की आज सुबह अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। अदालत ने पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का 6 दिन का रिमांड दिया है। अब लॉरेंस को 13 दिसंबर को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। मुक्तसर पुलिस उससे 2021 के एक फिरौती के मामले में पूछताछ करने के लिए लेकर आई है। मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू समेत 14 अन्य के खिलाफ एक्ट्रेस उपासना सिंह द्वारा दर्ज कोर्ट केस फरवरी के लिए एडजर्न हो गया है। मामले में पार्टी बनाई गई। संधु समेत अन्यों के लिखित बयान दर्ज होने 4 अगस्त को चंडीगढ़ कोर्ट में बायजी कुटड़गे नामक पंजाबी फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर उपासना सिंह ने मॉडल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। उपासना सिंह ने फिल्म को लेकर हुए नुकसान के रूप में 1 करोड़ रुपए भरपाई की मांग की। आपने सिर्फ 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, गुजरात के लोगों के शुक्रगुजार हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 35 लाख वोट मिले, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट हमें मिले उस हिसाब से आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई। देश में चंद पार्टी है जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम
चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह जनादेश का सम्मान करते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। ठाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, थोड़ी देर में मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जा रहा हूं। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ती दिख रही है, क्योंकि वह 16 सीटों पर जीत के साथ भाजपा से आगे निकल गई और 23 अन्य सीटों पर आगे चल रही है। नवीनतम परिणाम और रुझानों के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की और 13 अन्य सीटों पर आगे चल रही, 3 निर्दलीय भी विजयी हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के अब तक के नतीजों व रुझानों से साफ है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही। 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज इस बार भी कायम रहने वाला है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हिमाचल में कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के 3 से 4 दावेदार बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुख और 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी सांसद प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा है। इस मौके पर प्रतिभा सिंह के नाम की चर्चा हर किसी के जुबान पर है।